इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें बच्चे कोर्स चूज़ ही नहीं कर पा रहे, उनके सामने कोर्स का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। जैसे मान लो अगर किसी को बीएससी एग्रीकल्चर लेना है तो बीएचयू में वो ऑप्शन शो ही नहीं कर रहा। अगर आपको बीटेक लेना है तो बीटेक कोर्स शो ही नहीं कर रहा। बी फार्मा लेना है तो बी फार्मा कोर्स शो ही नहीं कर रहा है प्रेफरेंस लिस्ट भरते टाइम। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या आपको चेक करना चाहिए, दो तीन बातें ऐसी हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस, दिस इज सुमन यादव। कोर्स सेलेक्ट नहीं कर पा रहे तो इसका मेजरली तीन रीजन हो सकता है। सबसे पहला रीज़न ये कि उस यूनिवर्सिटी में हो सकता है वो कोर्स है ही नहीं जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो। जैसे कई बच्चे ऐसा चाह रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बी फार्मा का कोर्स उन्हें मिल जाए, तो बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी में बी फार्मा है ही नहीं, सीयूटी के अंतर्गत आता ही नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से, ठीक है। या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो वो बीएचयू में है ही नहीं, तो बच्चे ढूंढ रहे हैं उसमें मिलेगा कहाँ से, ठीक है। जो कोर्स है ही नहीं वो आपको कैसे नज़र आएंगे, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने उन सभी सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम नहीं दिया जो उस कोर्स के लिए मांगे गए थे। जैसे मान लो बीएचयू में आपको एडमिशन लेना है जूलॉजी के लिए, बीएससी जूलॉजी में आपको एडमिशन लेना है, और आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एग्ज़ाम दिया ही नहीं, आपने कोई एक पेपर छोड़ दिया उसमें से, तो जाहिर सी बात है आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो और वो कोर्स आपको शो नहीं करेगा। या फिर मान लो आप बीटेक कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो बीबीएयू में, आपने किसी बीबीएयू में बीटेक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस कोई ना कोई लैंग्वेज देना ज़रूरी होता है। अब मान लो आपने लैंग्वेज दिया ही नहीं है तो वो कोर्स आपको शो ही नहीं करेगा। या आप डी फार्मा करना चाहते हो बीबीएयू से, तो डी फार्मा के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड आपका कोई एक लैंग्वेज मांगा होता है, तो आपने दिया ही नहीं उन सब्जेक्ट में एग्ज़ाम, तो वो आपका शो नहीं करेगा प्रेफरेंस लिस्ट में। तो सबसे पहले चेक करो कि उस यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करें उस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स है कि नहीं है। फिर दूसरे स्टेप पे ये चेक करो कि आपने उनके सभी मैंडेटरी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया कि नहीं दिया। अगर नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन कैसे होगा उस, तो जाहिर सी बात है वो कैसे शो होगा, आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो। तीसरी बात ये हो सकती है कि सर्वर इशू हो सकता है, क्योंकि अगर मैं बता दूँ बीएचयू के बारे में, बीएचयू के लिए एग्रीकल्चरल प्रोग्राम शो ही नहीं हो रहे हैं, उसकी वेबसाइट में ही प्रॉब्लम है। तो ये कुछ वेबसाइट का प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी दो रीज़न मैंने बता दिए जो आपकी तरफ से गड़बड़ है, तो उन दोनों को एक बार ज़रूर चेक कर लो। और उसके बाद भी नहीं हो रहा है, आपने एग्ज़ाम भी दिया है और सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दिया है और आप एलिजिबल भी हो, यूनिवर्सिटी में है भी वो कोर्सेस, फिर भी आपको नहीं शो हो रहा है, तो इसका एक ही रीज़न है कि सर्वर प्रॉब्लम है, वेबसाइट में प्रॉब्लम है। बीएचयू, डीयू और एयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। जैसे ही सॉल्यूशन आएगा मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना के आप लोग को इन्फॉर्म करूँगी। फिलहाल आप लोग यही कर सकते हो, कम से कम अपनी तरफ से जो खामियाँ हैं उसे आप दूर कर सकते हो, अपने तरफ से आपके अंदर जो डाउट है उसे आप दूर कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और सी यू टी यू जी की लगातार अपडेट्स के लिए आप हमारी एक प्लेलिस्ट सेव कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।